हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं टाइम जोन में, तो यहाँ पे आ गए हैं हम ओरियन मॉल के अंदर। तो यहाँ पे आने के बाद अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे देखिए मेरी बिटिया रानी काफ़ी डरी हुई है और वो इस पे बहुत ज़्यादा डर भी जाती है। तो चलिए अभी हम चलते हैं टाइम जोन के अंदर। और यहाँ देखिए मेरा बेटा बिना किसी के बोले दौड़ दौड़ के आ रहा है, क्योंकि इन लोगों की बहुत मस्ती होती है यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा भी भीड़ लग रही होगी आपको, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था भी। और जैसा कि अभी बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है ख़त्म, तो बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, और इस जोन में रोते हुए बच्चे भी हंसने लगते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो अभी आने के बाद मेरा बेटा सोच रहा है कि किस गेम को पहले खेला जाए, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा था। और यहाँ पे देखिए ये है प्राइस जोन, तो यहाँ पे पॉइंट्स जो बनते हैं आपका उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस दिया जाता है। और ये है मेरे प्यारे बेटे का फेवरेट गेम, तो बस ये खाली मिलते ही वो आ गया और यहाँ पे वो बोला कि पहले इसी को खेलना है, इसी पे खेलना है। बस स्टार्ट हो गया और इधर आ गई मेरी प्यारी बिटिया रानी, तो इधर देख रही है कि कोई मुझे इधर बैठा दे, क्योंकि थोड़ा हाइट पे था ये, बैठ नहीं पा रही थी। फ्रेंड इस समय में काफ़ी भीड़ था इसमें, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। बच्चे काफ़ी दिनों के बाद आए थे, एग्ज़ाम की वजह से आ नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मस्ती किए। तो जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं इसमें, और ये बड़े छोटे हर टाइप के बच्चों के लिए है। और मेरे बेटे को तो इसमें अगर पूरे दिन छोड़ दिया जाए तो उससे बाहर जाने का उसको मन ही नहीं करता, तो वो सोच रहा था किस किस पे ट्राई किया जाए, लेकिन इसमें जब आ जाता है तो निकलने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा इसमें भीड़ था, तो किसी भी गेम को खेलने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ रहा था।
उसके बाद हम आ गए थे गन वाले गेम के पास। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा मस्ती की और काफ़ी इन्जॉय किया इस गेम को। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ रहते हैं, तो इस टाइम जोन में आके इस गेम को अपने बच्चों के साथ एंजॉय आप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे तो बहुत एंजॉय किए थे इसमें, और साथ साथ में उसके पापा भी उन लोगों को सिखा रहे हैं जैसे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मेरा बेटा आ गया है अपने फेवरेट एक और गेम के पास, और यहाँ पे वो अकेले ही खेल रहा है क्योंकि वो उसकी बहन नहीं आ रही थी, तो वो अकेले ही बोल रहा है मैं अकेले ही खेलूँगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। के बाद मेरे बेटी को भी बैठना था इस बाइक पे, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाती, तो उसका भाई भी उसके साथ ज्वाइन किया, और दोनों भाई बहन के साथ उसके पापा भी उनको हेल्प कर रहे हैं जैसे दिखेगा आपको, उसको सिखा रहे हैं कि ऐसे करो या वैसे करो। और वो ज़्यादा पुश नहीं कर पा रहा था तो उसके पापा उनको हेल्प कर रहे थे। और बच्चों की मस्ती यहाँ पे हो गई ख़त्म। तो अब हम जाएंगे घर। और फ्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जैसे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ मस्ती होने के बाद उसके बाद हो गया है टाइम ख़त्म, क्योंकि काफ़ी देर हम इसमें स्पेंड किए थे। उसके बाद हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ।